नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे गणतंत्र रे बड़ हृदय देखाइले प्रधानमंत्री प्रस्तावित कृषि आईन प्रत्याहर करने मोदी को बड़ घोषणा कहले चाषीों पर समर्पित थिला नुआ आईन किछि लोकंकु बुझाई पालुनी राज्य बीजेपी कार्यालय रे बीजेपी रो मिश्रण पर्व पद्म धरले पूर्वतन मंत्री संजीव साहू केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उपस्थिति रे विधिवत भाव कले योगदान बढ़ुच राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रों पर अड़ुआ सस्मित को पुणी टार्गेट कला कांग्रेस पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक कहे यार उत्तर केवल बीजेडी और सस्मित दे पारे पूर्व कंधमाल दंगे सस्मित बापा अभियोग आनीला कांग्रेस संसाइन अध्यक्ष ममिता मेहर हत्या घटना राज्य सरकार को पाखरे न्याय दाबी कले कांग्रेस राज्य प्रभारी चेला कुमार कहले मंत्री मध्य से कलेज को गले युवक फिल करते करंजिया पुलिस को बड़ सफलता वज्रकप्ता काती चालाण बेले चढ़ाऊ कारबारे लिप्त थिबा 15 अटक अंतराज्य ग्यांग काम करथिबा संदेह जबत वज्रकप्ता कातीर मूल्य कोटी कोटी टंका होइथिबा सूचना भगवान भेंकटेश्वर नगरी में वर्षा तांडव तिरुपति मंदिर में पशिला पा प्रबल वर्षा पर बनार फसिले तीर्थयात्री भासिले पशु और गाड़ी पोखरी में बुड़ी दुई नाबालक मृत पूरी पोखरी में बुड़ी जाई दुई नाबालकों सलीड समाधि निमापड़ा आलीपिंगल गाँ पोखरी में बुड़गले दुई नाबालक पोखरी में भासुवा डंगा आने को जा बुड़ जाती निमापड़ा थाना आलीपिंगल गाँव शक्ति साहू साइराम बारिक मृत बोली जमापड़ तेरे कार्तिक पूर्णिम बड़ अघटन कथा सामना को निमापड़ा अंचल दुखद खबर आसी कि पोखरी में जो डंगा भासुला से डंगा आने को जा दुई नाबालकों मृत्यु होता सूचना मिली मृतक होती निमापड़ा थाना आलीपिंगल गाँव शक्ति साहू साइराम बारिक बोली जमापड़े कार्तिक पूर्णिमार आसी दुखद खबर डंगा भसाऊ समय भासुवा डंगा को धरने को जा दुई नाबालकों सलील समाधि एवं दुई मृतक होती निमापड़ा थाना आलीपिंगल गाँव शक्ति साहू और साइराम बारिक बोली जमापड़े संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि कालुचरण साहू कालुचरण देखा जी गोटे दुखद खबर पहुंची आज ये भल दिन में कि दुई ना बालक डंगा धरने को जा मृत्युवरण करटना रही केमी से पोखरी पाख गले कौ परिस्थिति से बुड़गले कौन आपर अपडेट रही है निश्चित भाव में आज कार्तिक पूर्णिम गोटे दुखदायक चित्र सामना को आसी कि निमापड़ा अंचल पूरा दुखर मान चांचल्य कारण जिते दुई नाबालकटी गाँ पोखरी जिते आज भोर भोर जिते व्रतधारी मैंने डंगा बसाई थे और डंगा भितर किसी जो चेन्स पैसा गुड़िक बसाई थे से खुचुरा पैसा गुड़िक छोट छुआ दुईज छुआ आउी मैंने उभय मिसिकी से पोखरी भितर को जाते पोखरी भितर से से पैसा गुड़िक आने जहाँ कहुचर जहाँ उद्देश्य था से जेहेतु जानी नते पोखरी के गभरता अच्छी से पहरा शिखी नए पोखर उधार हेबार सक्षम ना जो दुई मृतक रही दुई नाबालक रही बयस पाखापाखी के
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଶକ୍ତି ସାହୁର ପାଖାପାଖି ଆଠରୁ ସାତରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ସାଇରାମ ବାରିକର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ପରିବାରକୁ ଅଜାଣତରେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ପୋଖରୀକୁ ନା ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ନିର୍ମା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନିଜ ପୁଅକୁ କିଏ ହରାଇଛି କିଏ ପୁତୁରାକୁ ହରାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କାହା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଥିରୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେହେତୁ କାହା ଆଖିରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଡଙ୍ଗା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାଇରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଘଟଣା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ମା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଥିମାନେ ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ସେ ମିଳିମିଶି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହ ଆଉ କିଛି ନାବାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାହୁ ଏବଂ ସାଇରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିମାନେ ସେମାନେ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମେଡିକାଲଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ତେବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନିମାପଡ଼ା ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଏବଂ ଭାସୁଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଏମାନେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ସେ ନୈତିକତା ଆଜି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ବାନୀ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 15 ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ତାଲା ଦେଇ ବସିଲେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଥାନାରୁ ଥାନା ବୁଲିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରାୟୋଜିତ କେସ୍ କରାଯାଇଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରାବଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଂକାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ରହିଛି କାହାର ଅହଂକାର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରୁହେନି ବିନାଶ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଘଟଣାର 90 ଦିନ ହେଇନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କରିବାର ଟାଇମ ସରିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥାଟା ଡରଉଛି ସେପଟେ ପଦ୍ମଧଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧିବତ ଭାବେ କଲେ ଯୋଗଦାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମଧଲେ ଆତ୍ମଲ୍ଲିକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ 4 ଥରର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଦିନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି ଏହି ପାଇଁ କୁହାଯିବ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନତା ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁ ପର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ବନାରସରେ ଦୀପାବଳି ଆମର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା
आज कुआडे देवता मानकर दीपावली बनारस रे आज देव दीपावली पालन करा जाउछ। मु ए भीतर अनेक मिश्रण पर्व रे दलर सभापति को आदेश क्रमे आसी की जोग दे छु। मु आज मते दल सभापति आदेश दिले जे तुम्हें आज दी शब्द कह मु दल सभापति को पाखरे सर्वप्रथम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। आज यही मु कहवापी उचित मन कर आज आम जिला आम अभिभक्त ढेंकानाल जिले में किछु दिन पूर्वे आदरणीय अंजलिं योगदान होता। आज संजीव भाई योगदान होची एमाने आम जिल्लार 2000 मसीह आम एकावेळे अंजलि मु विधायक हेलु किछु दिन परे बाई इलेक्शन रे 2003 संजीव भाई विधानसभा को आसिले। एमाने आम जिल्लार गरीब दलित चाषी पछुआ लोक मानकर प्रवक्ता लंबा समय धरी की सामाजिक जीवन अनुभव 30-40 वर्ष जनसंगठन अनुभव ए भली अनुभवी लोक माने जेतेबेले आम दल रे जो दल रे रुद्र भाई कृष्ण पात्र तथा अनेक अनुभवी लोक संगठन भितरे नुआ नुआ युव बंधु माने आम दल रे भितरे जोग दे से अंचल रे आम अंचल रे दल रे संगठन पाई विशेष करके संगठन को मजबूत करके दल को विजय हासिल करने पाई एमानकर उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हबो। से पे आज गोटे भल दिन अनेक सरपंच समिति एमाने जोग दे बंधुआ जिते आम समस्त राजनीतिक लोक मैंने एकाठी होती गोटे दुईट राजनीतिक कथा मुझे उचित मन करी। प्रथम निमापड़ार आलीपिंगल एवं ढेंकानाल आई दुखद खबर डंगा भसाइवा को जाई अघटन नदी में बुड़ी छात्रों मृत्यु ब्राह्मणी नदी में भासी अष्टम श्रेणी छात्र निखोज थे बुधेश्वर घाटर किसी दूर उद्धार कर ढेंकानाल मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराइला डाक्तर मृत घोषणा कर मृतक होती भुवनर रश्मि रंजन नायक। संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि विप्लव रही विप्लव ये जो दुखद खबर आसी पहुँची कि छात्र जनक जाते नदी में डंगा भसेवाई कि डंगा भसू भसू मृत्यु कौन रही पूरा घटना केमी जाते किए जाते ना से एका जाते पूरा घटनाक्रम कौन रही। हाँ निश्चित भाव में देखते मिले आम जो कह गए दुखद घटना घटी जाए भुवन अंचल जन अष्टम श्रेणी जो छात्र रही रश्मि रंजन नायक से जितने सका कार्तिक पूर्णमी अवसर जो डंगा बसाई ब्राह्मण नदी को जाते बुद्धेश्वर घाट से हठात से बुड़ी जाइवार लोक खोजाखोजी करते पर दमकल बाहन को दमकल बाहन आस खोजाखोजी बहुत करूँ बुद्धेश्वर घाट रु अल्प दूर मंदार घाट रही किसी मछधरा रही जो मैंने कि से शिशुटी को उद्धार करते एवं से शिशुटी को उद्धार कला बेले से माने अनुभव करते हुए तो शिशुटी प्राण रही था बोली से माने अनुभव करते शिशुटी को नहीं ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराइला और चिकित्सित होते डाक्टर सेठे मृत घोषणा कर विप्लव जिते जना पड़ा मानते उद्धार केमती करागला किए देखला। हाँ प्रथम तो परिवार लोक और गाँव लोक तरफ दमकल बाहन को जोगाजोग कर दमकल बाहन सत चेष्टा करा कि से उद्धार कर किसी दूर से मंदार घाट रही जो कि मछधरा रही से मैंने ही उद्धार जहाँ करते शिशुटी को उद्धार कर ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सालय को भर्ती करते से अनुभव करते हुए तो शिशुटी प्राण रही पारि थाए कि मात्र परवर्त समय डाक्तर मृत घोषणा करते
धन्यवाद विप्लव। इरेक्लम प्रतिनिधि विप्लव राउल। तेबे दुखद खबर आसी पहुंची प्रथमे निमापड़ार आली पिंगल एवं वर्तमान आसी ढेंकानाल खबर ये मृतक जी रोचंती छात्र होती रश्मि रंजन से मध्ये डंगा भसेबाकु जाई भासी जाइते तेबे किछि स्थानीय मत्स्यजीवी जो मान रही नदी को माछणीबाकु जीवा समय रे तांको देखिबाकु पाइथले एवं परे तांको उद्धार करा जाइथिला। अच्छा परवर्ती खबर को रत्नभंडा चाबी को नहीं पुणी द्वंद्व। अर्गस न्यूज हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज 1970 मसीह चाबी नई 2018 एप्रिल 4 तारीख में जिलापाल को चिठी लिखिले ट्रेजरी अधिकारी। जिलापाल से चिठी को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों अवगति निम्ते पठाई 1960 मसीह पर ट्रेजरी में चाबी जमा नथिबा कथा पूर्व आरटीआई रिपोर्ट रु सूचना मिलता। आरटीआई में दुई दुईट भिन्न तथ्य को नहीं बढ़ी द्वंद्व। तेज प्रश्न उठू चाबी जदि जिला ट्रेजरी में 1970 मसीह ना तेज बिना चाबी में कहीं जाइले खोलने जदि मुख्य प्रशासकों निकट में सूचना था तेल रत्नभंडार रजिस्टर में कहीं उल्लेख कले ना ट्रेजरी अधिकारी निज मुंडर दोष खसवाई कहीं आरटीआई तथ्य दे 1960 मसीह चाबी आम पाखक को आसीना जदि ट्रेजरी में 1960 और 1970 चाबी ना तेज किभ में 1960 1972 1974 1985 मसीह रत्नभंडार खोल जाइला। तत्काल जिलापा कही 6/8/2018 चाबी ट्रेजरी में जमा करेजरी तेज बर्तमान कौन पर रत्नभंडार मरामती होने उठी प्रश्न। जगत सिंहपुर तीर्तोल थाना अधीन कनकपुर फांडी में कार्यरत एसआई पुष्पलता राय दुर्व्यवहार अभियोग एने मुड़ीसी पंचायत शताधिक लोक तीर्तोल थाना द्वारस्थ होती किसी दिन तले बिरितोल पंचायत अनुआरी बेगम टंका देणनेण को नहीं होता गंडगोल समाधान पर फांडी द्वारस्थ होते फांडी में न्याय देवा बदल में कार्यरत अधिकारी दुर्व्यवहार करने सहित केस को रफादफा कर अभियोग घटना नहीं प्रथम तीर्तोल थाना अधिकारी पर एसपी द्वारस्थ होगापर एसपी आउ थे तदंत निर्देश देते से गत 15 तारीख में एक जमिजमा बद को नहीं काबलपुर गांव सरोज नायक मधुसूदन नायक और तृप्ति नायकों नाँ अभोग होता कि एसआई पुष्पलता तदंत नक सीधा तीन अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर प्रतिवाद रे मिलीसिंग पंचायत शताधिक लोके तीर्तोल थाना अधिकारी अभियोग पत्र देवा सहित एसआई पुष्पलता विरुद्ध में कार्यानुषान दावी कर करंजिया पुलिस को बड़ सफलता चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण वज्रकाप्ता काति जबत करछि पुलिस। करंजिया गोली बाईपास निकट में वज्रकाप्ता काति कारबार बेले चढ़ाऊ करा कारबारे लिप्त थिबा पाखापाखी 15 जन को वर्तमान अटक रखी तदंत को जोरदार करछि वन विभाग। से हीपरी कारबार पछरे एक अंतरराज्य ग्यांग काम करथिबारी अनुमान करछि वन विभाग। तेबे प्राथमिक तदंतर मिलिथिबा तथ्य अनुसार अटक थिबा अभियुक्त मानक मध्यरु सर्वाधिक 8 जन केन्दुझर जड़े जाजपुर तीन जन पड़ोसी झारखंड होता बेले बाकी तीन जन स्थानीय करंजिया रही जमापड़ तेज इन वन विभाग पक्षर करंजिया रेंजर प्रबीर मुर्मू सूचना देखते गला काली आईआईसी करंजिया आईआईसी सहयोग में एसएफ सांग मुझे से बजाज शोरूम जो लजटा अच्छी से लज उपर डिल चलता जो 10 जन मेम्बर आसिक डिल करते तो से समय आम जाड हैंड धरचु से तीन जन अच्छा झारखंड एरियर एवं सात जन अच्छा आमर केन्दुझर जगार आउ जड़े अच्छे जाजपुर आउ अच्छा तीन जन पाखापाखी आम करंजियार तो तदंत ए जोर मैंने चली तो केते कौन पूरा मैंने डिटेल कहपाई आम निहाती टाइम दबो टाइम लगे आपने सुजोग दे आपको जन आम प्राय 15 जन को आम धरीचु आहरी भी आशा करूँ कि आम नेटवर्क बहुत बड़ अच्छी तो ये नेटवर्क को निहाती आम धरने को चेस्टा करूँ। गणतंत्र रे बड़ हृदय देखाले प्रधानमंत्री प्रस्तावित कृषि आईन प्रत्याहार करने प्रधानमंत्री बड़ घोषणा कहले चाषी समर्पित थिला तीन नुआ आईन किछु लोकंकु बुझाई पालुनी गुरु नानक जयंती पवित्र प्रकाश पर्व रे प्रत्याहार करने को घोषणा कले प्रधानमंत्री। राष्ट्र उद्देश्य रे निज संबोधन प्रधानमंत्री कहते पूर्ण भाव शुद्ध चाषी हित एत पवित्र प्रयास सत्वे आम किसी व्यक्ति विशेष को बुझाई पालुनी से निष्पत्ति केंद्र सरकार एक बुझेबा को कृषि अर्थशास्त्री वैज्ञानिक एवं अनेक चाषी चेष्टा करते सरकार कृषक कल्याण पर समर्पित बोली कहते प्रधानमंत्री। वर्तमान आंदोलनकारी चाषी आंदोलन प्रत्याहार करूँ घर को फेरतु बोली प्रधानमंत्री अपील करते खासकर छोट चाषी अनेक योजना करेर कृषि जगतर हित गाँ और गरीबों उज्जवल भविष्य पर पूरा निष्ठा समर्पण भाव में नुआ कृषि आईन अणाइला केन्द्र सरकार प्रयास फल देश में कृषि उत्पादन वृद्धि होती ग्रामीण बजार मजबूत होती छोट चाषी सुविधापी अनेक योजना होती चाषी एमएसपी
मूल्य वृद्धि सहित बजेट 5 गुणा बढ़ाई जलसेचन अर्थ बराद 2 गुणा बढ़ाई आगामी संसद अधिवेशन प्रत्याहार नहीं विधिवत सांविधानिक प्रक्रिया पूरण हो प्रधानमंत्री कहते आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। पता ही है सबको, एक साल से पड़े हैं। आज सबसे पहली बात तो खुशी वाला दिन है, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का। ये जितनी भी जलेबी और जितने भी हलवे ये कल से तैयारी करी गई थी, ये करी तो गई थी इसके लिए गुरु नानक देव जी के जन्म के, उससे बगैर तो कुछ पत्ता नहीं हल सकता गुरु से। बाकी उससे बाद में खुशखबरी मिली है हमें भी, काले कानून वापस, अच्छी बात है काले कानून वापस कर दिए, तो मेहरबानी उसकी भी। किसी के लिए खुशी के दिन है जो ये लोग आंधी तूफान हर तरह से अपने पूरे परिवार को छोड़ करके यहाँ पर लगे रहे, समझे, और हर तरह से छोटे से हर वर्ग के लोग ने यहाँ पर इनको सहयोग किया है, समझे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, समझे, तो ये बहुत खुशी की बात। ठंडी के मौसम में आप परिवार विष्णु सेठी द्वारा लिखित पुस्तक शिरोधार्य शिरोनामार लोकार्पण उत्सव उपस्थित रही केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେବେ କୁହାଯାଇପାରେ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ବା 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଲମ୍ବା କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଧୂରିଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଏବଂ ଅନେକ ସଭାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ଆଜି ଆମର ଏ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିୟ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରିୟ ସମୀର ଭାଇ। समय बुलेटिन को रखा, नमस्कार।